नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम लोग फिर हाजिर हैं आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर पपीते पर नींबू छिड़क कर इसे खाया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऐसा करने से पपीता स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद बन जाता है। पपीते को आप बारीक काट कर मिक्सी में पीस कर इसका जूस बना लें। फिर आप इस जूस में एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इस हेल्दी ड्रिंक को पीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसे ही इससे इसके क्या क्या लाजवाब फायदे होते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आँखों की रोशनी को तेज करना चाहते हैं तो आपको इस हेल्दी ड्रिंक को ज़रूर पीना चाहिए। कई बच्चों की छोटी उम्र में ही आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, जिसके चलते उन्हें कम उम्र में ही चश्मा लग जाता है। ऐसे में पपीते और नींबू का रस उनकी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगा। इसके अलावा जिन लोगों को पेट में हमेशा कब्ज़ की शिकायत बनी रहती है, उन्हें इस पपीते के ड्रिंक को ज़रूर पीना चाहिए। इस हेल्दी जूस को पीने से कब्ज़ जैसी पेट की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, इससे पाचन क्रिया दुरुस्त बनती है, पेट की तकलीफ़ों से आराम मिलता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह हेल्दी ड्रिंक पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं तो इसे तुरंत पपीते और नींबू के रस मिश्रण वाले जूस को आपको पीना है, क्योंकि इस मिक्सचर जूस को पीने से शरीर में विटामिन सी की मात्रा तुरंत बढ़ जाती है, जिससे आपका शरीर रिलैक्स फील करता है और आपके शरीर में टेंशन दूर करने वाले हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको टेंशन से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा पपीते और नींबू के मिश्रण में विटामिन सी, बी, ए और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से होता है, जिससे ओर्टरी ब्लॉक होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपको दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होती है। यह हेल्दी ड्रिंक खून के भाव को तेज बना देता है, जिससे दिल की बीमारियां होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा गठिया की बीमारी होने पर इस स्वास्थ्यवर्धक पेय को पीने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके सेवन से गठिया में होने वाला दर्द और सूजन से राहत मिलती है, जिससे आपको चलने फिरने में होने वाली तकलीफ़ों से आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है और आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो आपको पपीते के रस में नींबू का रस मिलाकर जरूर पीना चाहिए। इससे बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे आपको कई सारी बीमारियाँ आसानी से नहीं हो पाती। इसलिए बीमारियों से अगर बचना चाहते हैं तो पपीते के जूस में नींबू का रस मिलाकर पीना आपको शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा यह चमत्कारी पेय आपको कई प्रकार के कैंसर, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर से बचने में आपकी सहायता प्रदान करता है। इसके सेवन से शरीर को शक्ति मिलती है और यह कैंसर सेल्स को बढ़ने से भी रोकता है। तो ये थे इसके लाजवाब फायदे। अब कुछ महत्वपूर्ण बात जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए और आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। दोस्तों, पपीते के जूस में नींबू का रस मिलाकर तुरंत पीना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप पपीते का जूस बनाएं तो इसे तुरंत पिए, इसे स्टोर करके ना रखें, क्योंकि यह बाद में थक्के के रूप में जम जाता है। इसके अलावा स्टोर करके रखने पर इसके गुणों में भी कमी आ जाती है, तो ये इतना इफ़ेक्टिव, इतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अगर आप इसे बनाकर स्टोर करके रख देंगे तो फिर ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। अगर आप इसे हाथों हाथ इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।